हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएम इंग्लिश क्लासेस। आइए, आज पेट का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। ये स्पेशली पेट का एग्ज़ाम 15 और 16 तारीख को होने वाला उनके विद्यार्थियों के लिए है। और यही नहीं, पेट के अलावा और भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें इंग्लिश ज़रूर आता है, आंसर पैसेज ज़रूर आता है, ग्रामर ज़रूर आता है, एंटोनिम सिनोनिम्स, तो सबके लिए यूजफुल होगा, लेकिन स्पेशली पेट को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। तो हम बहुत तेज़ अब स्पीडली जो है इसका प्रैक्टिस सेट जितना है इस बुक में सब कंप्लीट करा देंगे 2 से 3 दिन के अंदर, इसलिए आप लोग ज़रूर देख लीजिए। और साथ के साथ ग्रामर के लिए एक हाई स्कूल इंटर का भी ग्रामर चल रहा है, जिनका वीक है उसको भी देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ से पैसेज दिया गया है, इसमें से पढ़ के जो है 41 और 42 दो क्वेश्चन इसमें से पढ़ के छांटने हैं आपको। उसके बाद जो ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है तो उसको भी आप पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड है वहाँ से आपको देखना है। तो चलिए, मैं स्पीडली इसको पढ़ दे रहा हूँ, उसके बाद तुरंत आंसर बता दूंगा। कह रहे हैं कि डायरेक्शन दिए हैं नंबर्स 41 और 42। रीड द फॉलोइंग पैसेज गिवन बिलो, नीचे दिए गए पैसेज को पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो इट, और जो इसके बाद में उत्तर दिए गए उनका उत्तर दो, जो क्वेश्चन दिए उनका उत्तर दो। देखिए इसमें प्रश्न क्या कह रहा है, जस्ट एज सम मैन लाइक टू प्ले फुटबॉल, ठीक वह उस प्रकार से जैसे कुछ लोग फुटबॉल और क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, सिमिलरली माने ठीक उसी प्रकार से, मतलब जिस प्रकार से कुछ लोग कुछ व्यक्ति फुटबॉल या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, ठीक उसी प्रकार से सम मैन लाइक टू क्लाइंब माउंटेंस, कुछ लोग पर्वत पर चढ़ना पसंद करते हैं। दिस इज ऑफन वेरी डिफिकल्ट टू डू, ऐसा करना प्रायः बहुत कठिन हो जाता है, फॉर माउंटेंस आर नॉट जस्ट वी हिल्स, क्योंकि पर्वत केवल बड़ी पहाड़ी ही नहीं होते हैं, पथ्स आर यूजुअली वेरी स्टीप, रास्ते प्राय बहुत स्टीप माने ढालूदार होते हैं। सम माउंटेंस साइड्स, कुछ पर्वत के किनारे और स्ट्रेट अप सीधे होते हैं, एंड डाउन और नीचे होते हैं, अप एंड डाउन मतलब ऊपर नीचे होते हैं, सीधे स्ट्रेट मतलब सीधे ऊपर नीचे होते हैं। सो इट में टेक मेनी आवर्स टू क्लाइंब, इसलिए इसमें चढ़ना कई घंटों लग जाता है। एज लिटिल, उतना ही थोड़े रूप में, एज 100 फीट जितना कि 100 फीट सैकड़ों फीट। देर इज ऑलवेज द डेंजर, हमेशा खतरा रहता है, दैट यू मे फॉल ऑफ कि तुम गिर सकते हो, एंड बी किल्ड आर इंजर्ड मर या घायल हो सकते हो। मैन टॉक अबाउट कॉन्करिंग ए माउंटेन, लोग पर्वत पर विजय प्राप्त करने के बारे में बात करते हैं। इट इज़ ए वंडरफुल फीलिंग्स टू रीच द टॉप ऑफ ए माउंटेन, यह एक आश्चर्यजनक भावना होती है इसमें, टू रीच द टॉप ऑफ माउंटेन, पर्वत की चोटी पर चढ़ने के लिए। आफ्टर क्लाइंबिंग फॉर आवर्स एंड घंटों तक चढ़ने के बाद अगर कोई पर्वत की चोटी पर पहुँच जाता है तो उसमें एक आश्चर्यजनक भावना होती है। एंड मे बी मे बाय, ठीक है, इवन डेज, और यहाँ तक कि इसमें कई दिन भी लग जाते हैं। यू लुक डाउन, आप नीचे देखते हैं, एंड सी द होल कंट्री बिलो यू, और अपने नीचे पूरा देश देखते हैं। यू फील गॉड लाइक, तुम ईश्वर के जैसा जो है, आप ईश्वर के जैसा महसूस करते हैं। तो ये इसका मतलब कि पैसेज है, आप इसको वीडियो को पास करके धीरे से भी पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट होगा अरिहंत का तो उसी से है ये, आप किताब में भी अपने देख सकते हैं, जिसमें 30 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। ये चौथा प्रैक्टिस सेट है, तो मैं क्या करूँगा, कई प्रैक्टिस सेट 4, 5, 6, 10 प्रैक्टिस सेट एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊँगा, और ज़्यादा मैं अनसीन पैसेज पे फोकस नहीं करूँगा, क्योंकि उसको तो आप पढ़ ही लेंगे। इससे रिलेटेड जो ग्रामर के रूल्स हैं, एंटोनिम्स हैं, वर्ड पावर हैं, उसको मैं बताऊँगा, इसलिए मैं डायरेक्टली जो है इसका आंसर बता दूँगा, आप लोग पढ़ के खुद सॉल्व करेंगे, मिला लेंगे। सम मैन लाइक टू क्लाइंब माउंटेंस, कुछ लोग पर्वत पर चढ़ना क्या करते हैं, पसंद करते हैं, तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो दे डू नॉट लाइक टू प्ले फुटबॉल और क्रिकेट, वे फुटबॉल या क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करते, तो ये कोई बात नहीं है। दे वांट टू हैव ए वंडरफुल फीलिंग, वे चाहते हैं टू हैव, रखना वंडरफुल फीलिंग, आश्चर्यजनक भावनाओं को। देखिए यहाँ इट इज ए वंडरफुल फीलिंग, तो यही इसका आंसर है, बी वाला सही है। ठीक है, दे नो ट्रिक ऑफ क्लाइंबिंग, चढ़ने की ट्रिक जानते, ये भी गलत ही है। दे लाइक फेस डेंजर, ये भी गलत है। पैसेज के आधार पर दूसरा वाला, बी वाला सही है। क्लाइंब माउंटेंस इज ऑफन डिफिकल्ट बिकॉज, पर्वत पर चढ़ना प्रायः कठिन हो जाता है, क्यों कठिन हो जाता है, तो कारण देखिए, माउंटेंस आर बिग हिल्स, बड़ी पहाड़ी होते हैं, तो इसलिए ये कोई बात नहीं है। इट इज़ कंज्यूम्स मोर टाइम, ज़्यादा समय लगता है, ये भी बात नहीं। पॉइजन्स प्रिजनर्स ऑफन एस्केप फ्रॉम कैंप्स एंड सेटल देयर, कैंप से प्रायः बच के भाग जाते हैं और वहाँ बस जाते, ये भी गलत बात है। तो बच्चा क्या चौथा, पथ्स आर स्टीप एंड अनइवन, रास्ते जो ढलान होते हैं और अनइवन माने उबड़ खाबड़ होते हैं, इसलिए पर्वत पर चढ़ना कठिन हो जाता है। तो पैसेज के आधार पर ये आपका डी वाला ऑप्शन सही है। तो इसको आप देखेंगे तो यही आपको मिल भी जाएगा, पथ्स आर स्टीप, यूजुअली वेरी स्टीप, बहुत ढालू होते हैं और अनइवन होते हैं, ऊबड़ खाबड़ होते हैं, जैसे ऊपर नीचे जो है ना, ऊपर नीचे होता है, तो मतलब ऊपर खाबड़ होता है, इस तरह से ये आपका
डी वाला सही है, आई होप समझ में आ गया होगा। तीसरा 43 नंबर का क्वेश्चन है, जो पांच क्वेश्चन में तीसरा यानी कि 43 नंबर का। फिल इन द ब्लैंक विद द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट अल्टरनेटिव, सही विकल्प को भरना है। आई डिड नॉट इन्फॉर्म एट ऑल, मैं बिल्कुल भी सूचना नहीं दिया, तो ये मतलब इसमें ग्रामर का पोर्शन भरना है। तो इसमें देखिए नन हो नहीं सकता क्योंकि नन माने कोई नहीं, नॉट अगर है तो नन नहीं लगता है, न तो नो बॉडी लगता है क्योंकि नॉट लगा है तो दोनों काट दीजिए, बचा है एनी और एनी बॉडी, तो एनी बॉडी आपका सही है, एनी नहीं होगा। आई डिड नॉट इन्फॉर्म एनी बॉडी एट ऑल, मैं किसी व्यक्ति को बिल्कुल भी सूचना नहीं दिया, तो एनी एडजेक्टिव है तो अगर एनी नहीं लगा सकता है किसी को क्योंकि एनी के साथ नाउन या प्रोनाउन आना जरूरी है, तो एनी के साथ कोई भी नाउन नहीं है तो इसलिए एनी एडजेक्टिव रोल नहीं अदा कर सकता, तो ये गलत हो जाएगा। तो एनी के साथ देखिए यहाँ बॉडी नाउन है, तो इसलिए सी वाला 100% सही है। इस तरह से ट्रिक भी जानिए कि क्यों कोई सही है, ग्रामर का फंक्शन जानिए तो आपको प्रैक्टिस से सब आ जाएगा, रूल्स नहीं भी पड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सारा प्रैक्टिस सेट मेरा देख लीजिए, आपको हल करने का तरीका आ जाएगा, अंदाज कर भी करेंगे तो सही आपका ठहर जाएगा, पाँच में पाँचों पा जाएंगे। एंटानिफ ऑफ जस्टिस, जस्टिस का विलोम बताना, जस्टिस माने होता न्याय, इनजस्टिस माने अन्याय, तो आपका सी वाला सही है। इल लगता नहीं, इल अक्सर यल से कोई रिलेटेड रहता तो उसमें लगता है, डिस जो है हमेशा निगेटिव बात को बताने के लिए लगता है, ये भी नहीं होगा। अनजस्टिस मतलब नॉट जस्टिस, ये भी हो नहीं सकता, बचा सी इनजस्टिस करेक्ट एंटानिम्स है। एड्रॉइट माने दक्ष होता है, सिनोनिम्स का बताना है, तो एड्रॉइट माने दक्ष होता है, तो दक्ष की अंग्रेजी स्किल्ड होता है, स्किल्ड माने जो जिसके पास बहुत ज़्यादा दक्षता हो, दक्षता से युक्त यानी स्किल्ड। पोटेंट माने पावरफुल होता है, ये हो नहीं सकता, क्लियर चलाक हो नहीं सकता, पावरफुल शक्तिशाली हो नहीं सकता, तो दक्ष की अंग्रेजी डी सही है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सेट भी छटके में देखते हैं, उसको भी हम हल करते हैं। देखिए सेट नंबर पाँच का पहला क्वेश्चन जो है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, निम्नलिखित वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलिए। तो इसमें क्या दिया गया कि ही केप्ट मी वेटिंग, वह मुझे इंतजार में रखा, तो वह मुझे इंतजार में रखा, तो इसका क्या होगा पैसिव वॉइस, ये आपको बताना है। तो देखिए ही सब्जेक्ट है, केप्ट आपका सेकंड फॉर्म है, मी ऑब्जेक्ट है, तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मी ऑब्जेक्ट है, उसका सब्जेक्ट आई हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट में आते वॉज के साथ थर्ड फॉर्म लगे तो आई वॉज केप्ट, केप्ट का थर्ड फॉर्म केप्ट ही है। ये जीरंड है तो ये आप ठीक है, बर्ब के थर्ड फॉर्म बाद जो भी रहता है उसको हम लिख देते हैं, वेटिंग का वेटिंग रहेगा। फिर ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, बाय लगा के लिख देंगे, तो आई वॉज केप्ट वेटिंग बाय हिम, मैं उसके द्वारा इंतजार में रखा गया, तो एकदम 100% सही है, तो आपको सही वाक्य मिल गया। तो ये सब हो नहीं सकते, काट दीजिए, आगे बढ़िए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ए मॉडल वर्ब, किसमें मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब आपको पता है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, आर्ट, ये सब मॉडल वर्ब है। तो देख लीजिए कि इसमें से कौन सा है, डी वाला वाक्य देखें तो इसमें मस्ट मॉडल वर्ब मिल जा रहा है, इसलिए डी वाला आपका सही है, बाकी सब गलत है। 43 वाला फिल इन द ब्लैंक विद द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव, सही मतलब वर्ड्स को भरना अल्टरनेटिव यानी विकल्प में दिया गया है। ही सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, वह सभी प्रश्नों को हल कर दिया। विथ, विथ के साथ क्या भरा जाएगा, इजियर, इजीली, इजी, इज क्या भरा जाएगा, तो देखिए इसमें इज भरा जाएगा, क्यों भरा जाएगा उसका कारण मैं बता दे रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। विथ है एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के साथ हमेशा नाउन आता है, नाउन या प्रोनाउन आता है, तो यहाँ कोई प्रोनाउन है नहीं, तो नाउन आपका केवल इज है, इज माने होता आसान, ठीक है। इजी आपका एडजेक्टिव है इसलिए ये नहीं हो सकता है, इजली आपका एडवर्ब है ये भी नहीं हो सकता है, इजियर एडजेक्टिव का कंपेरेटिव डिग्री है ये भी नहीं हो सकता, तो बच्चा क्या इज, इज आपका नाउन है, 100% सही है डी ऑप्शन। तो चलिए आपको देख लेते हैं एक सस्ता, हाँ क्वेश्चन नंबर 44 और 45 हम पढ़ लेते हैं, तो अब इसमें हम डायरेक्ट आंसर आपको पढ़ के बताएंगे इसमें, ताकि आपका समय बचे क्योंकि अब समय कम है, तो स्मार्ट स्टडी करना है, ठीक है। बाकी तो आप सब लोग जो है पढ़ के उसमें छाँट सकते हैं, आप पढ़ना चाहें तो आप वीडियो को पास करके देखिए इस पैसेज को भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ लीजिए, ठीक है। आपके पास अगर बुक है तो ठीक है, नहीं तो आप यहीं से पढ़ लीजिए। देखिए वीडियो को पास कर दे रहे हैं, हाँ व्हाई डिड अकबर डिसाइड टू परफॉर्म द मैरिज, अकबर शादी करने का डिसाइड क्यों किया था, तो जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि ही वांटेड टू फाइंड आउट द वेयर अबाउट्स ऑफ बीरबल, वेयर अबाउट्स माने अता पता, वह बीरबल के अता पता को फाइंड आउट माने पता लगाना चाहता, मतलब बीरबल के बारे में पता लगाना चाहता था कि कहाँ पर है, इसलिए वो मतलब बता दिया था कि मैं शादी करना चाहता हूँ। ये बातें आपको मिल जाएगी, यहाँ आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ठीक। तो अकबर पता चल जाएगा, इसमें आपको मिलेगा, ठीक। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पाइसेज, स्पाइसेज के कॉन्टेक्स्ट माने प्रसंग में कौन सा निम्नलिखित में से सही नहीं है, तो जब आप पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि काजी थॉट
दैट मैरिज ऑफ वेल्स शुड बी कंडक्टेड इन अ ट्रेडिशनल मैनर। कॉजी ने सोचा था कि जो है कि ठीक है, तो मैरिज ऑफ वेल्स जो है इसको जो है ट्रेडिशनल मैनर से जो है यानी शादी को परंपरागत ट्रेडिशनल मैनर से वो कराना चाहता, तो यही सही है आपका बी वाला आंसर, आंसर सही है। तो चलिए प्रैक्टिस नंबर 6 पे अब आ जाते हैं। अरिहंत प्रकाशन की बुक से प्रैक्टिस नंबर 6 देखते हैं। तो प्रैक्टिस नंबर 6 में देखिए, पहले तो 41 नंबर का आपको देखना पड़ेगा। 41 नंबर आपको यहाँ इधर मिलेगा, इसको भी देख ले रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस है जो पजेसिव प्रोनाउन, निम्नलिखित में से किस में पजेसिव प्रोनाउन है? तो उसमें नीचे नहीं है, तो मैं देख बता दे रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पूरा नीचे तक देख लीजिए, किस में पजेसिव प्रोनाउन है आपको ये बताना है 41 नंबर में। तो रमेश हु इज माय ग्रैंड सन इज रीडिंग ए पोएम, इसमें हु पजेसिव प्रोनाउन नहीं है। तो हर सिस्टर इज नॉन टू मी, इसमें पजेसिव नहीं है क्योंकि ये पजेसिव एडजेक्टिव है, नाउन से पहले आया, ये हु जोड़ रहा है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, कंजक्शन का भी काम कर रहा है। ही कुड नॉट हेल्प मी, मी ऑब्जेक्टिव केस ये भी नहीं है। तो बचा कि आवर्स इज ए वास्ट कंट्री, हमारा देश एक विशाल देश है। तो आवर्स मतलब पजेसिव प्रोनाउन है। पजेसिव प्रोनाउन किसे कहते हैं उसको जान ली, पजेसिव प्रोनाउन माने अधिकारवाचक सर्वनाम, जो पजेशन को बताया, अधिकार को बताया। तो आवर्स माने हमारा। तो ये पजेसिव प्रोनाउन की खासियत क्या होती है, देखिए केस में दो आते हैं, एक सब्जेक्टिव जैसे आई हुआ, मी हुआ, ठीक है, आई मी हुआ, माई हुआ, माइन हुआ, ठीक है, उसी तरह से वी है, अस है, आवर है, एक आवर्स है। तो ये मतलब पजेसिव केस दो होते हैं। तो ये मतलब ये माई है, आवर जो है ये हमेशा इनके साथ नाउन आता है, ठीक, और ये माइन जो है और आवर्स है, इनका भी मतलब हमारा, आवर माने भी हमारा, माई माने भी मेरा, माइन माने भी, लेकिन इनकी खासियत क्या है, ये पजेसिव प्रोनाउन है, इनके साथ जो है कोई नाउन नहीं आता। तो जिनके साथ नाउन नहीं रहता अलग से, उसी को हम पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक। नहीं तो अगर नाउन रहेगा तो वो प्रोनाउन भले हैं लेकिन वो एडजेक्टिव काम करते हैं, इसलिए हम उनको पजेसिव प्रोनाउन नहीं कहते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव कह देते हैं। तो आवर्स इसमें 100% सही है, डी वाला, बाकी सब गलत है। तो आई होप समझ में आ गया, चलिए आगे देखते हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ए कलेक्टिव नाउन, किस में कलेक्टिव नाउन है? तो ही हैज ए लॉट ऑफ मिल्क, तो रेखा इज ए फुल, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो कलेक्टिव नाउन आपको पता है कि कलेक्टिव मतलब जैसे समूह वाचक संज्ञा, जिससे समूह का बोध होता है उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो देखिए लॉट ऑफ मिल्क मतलब मिल्क की मात्रा बताया है नहीं, राका इज ए फुल, राका एक क्या है, मूर्ख है, तो इसमें भी कलेक्टिव नाउन नहीं है। तो आगे आपका जो दिया गया है, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल जो है पशुओं के समूह को कैटल कहते थे, समूहवाचक संज्ञा है, कैटल इसमें कलेक्टिव नाउन है। तो ऑप्शन सी आपका सही है, तो कैटल वाला। चलिए देखते हैं 43 और 45 नंबर का क्वेश्चन भी देखते हैं। तो आप 43 और 45 नंबर का आपका आंसर पास, आप वीडियो को पास करके, आपके पास बुक है तो बुक में पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस सेट की बुक जो है, नहीं तो आप इसमें भी वीडियो को पास करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए वीडियो को मैं रोक दे रहा हूँ, आप खुद वीडियो को पास करके पढ़ लीजिए, पढ़ते जाइए, तो इसको पूरा तरह इस तरह से पढ़ते जाइए, फिर उसके बाद क्वेश्चन भी देख सकते। तो डायरेक्टली मैं आंसर बता दे रहा हूँ 43 का, हाउ शुड द एक्सीलेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन बी एसेस्ड, स्कूल की शिक्षा का की व्यवस्था का एक्सीलेंस माने श्रेष्ठता को कैसे एसेस्ड माने मापा जा सकता है, ठीक है। तो अर्थ तो बता दे रहा हूँ, जाके आप पढ़ने समझ, तो आप इसको पढ़ते चले जाएंगे तो आपको मिलेगा, बाय द क्रिएटिव इंडिविजुअल्स इन प्रोड्यूसेज इट्स प्रोड्यूसेज, मतलब सृजनात्मक इंडिविजुअल्स माने व्यक्ति, सृजनात्मक व्यक्तियों द्वारा इट प्रोड्यूसेज जो यह उत्पन्न करती है, मतलब शिक्षा जो सृजनात्मक व्यक्ति को उत्पन्न करती है उसी जो है से जो है शिक्षा स्कूल की शिक्षा व्यवस्था की श्रेष्ठता को मापा जा सकता है, ठीक है। जो सृजनात्मक विचार आएंगे तो करेंगे तो उससे जो है आपका जो है शिक्षा का विकास होगा। चलिए आगे देखते हैं, दूसरा कह रहा है कि हाँ सिनोनिम्स ऑफ एवरेंट, एवरेंट शब्द इसमें आया तो उसका सिनोनिम्स पूछ लिया गया, तो इस तरह से वर्ड पावर तो आप बिना पढ़े भी कर सकते हो। तो सिनोनिम्स बताना है एवरेंट, एवरेंट मतलब इस तरह सामान्य से थोड़ा हट कर, मतलब किसी चीज़ से हट कर होना, उसको एवरेंट कहते हैं, ठीक। तो इसको कहते हैं एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल माने होता है अपवाद संबंधी, यानी कि सबसे हट कर, जैसे एक्सेप्शन जो होता है जैसे, तो वो अपवाद होता है ना, तो सभी रूल से थोड़ा सा हट के रहता है, ठीक, तो अपवाद में आ जाता है, एक्सेप्शनल इसका सही सिनोनिम्स हो जाएगा। व्हाट इज नीडेड टू बी डन बाय अवे, डू अवे विथ, ठीक है। तो डू अवे विथ होने से क्या कि क्या आवश्यकता है, तो इसका जो है आपको पैसेज पढ़ेंगे तो उसमें से आपको मिल जाएगा, चांसेज ऑफ सिंगल
रोट लर्निंग टेस्ट, उसी को कहते हैं डू अवे विद से नीड है, इसको पढ़ेंगे तो सेम टू सेम लाइन में मिलेगा। तो ये इसका आंसर है। चलिए अब प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का जो दिया गया 5 क्वेश्चन, उसमें पहला है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में बनाना है, पैसो दिया गया है द बर्ड वॉज किल्ड बाई ए क्रूएल बॉय, पक्षी को एक जो है निर्दयी लड़के द्वारा क्या किया गया था, मार दिया गया था। तो इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा, अब देखिए तो द बर्ड सब्जेक्ट, ठीक है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया गया वॉज किल्ड, तो वॉज किल्ड क्या किया गया तो मतलब पास्ट इंडेफिनिट का ही पैसिव वॉइस है, बाई ए क्रूएल बॉय, तो बाई के बाद एक क्रूएल बॉय ऑब्जेक्ट जो है इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो आपका सब्जेक्ट जो है एक क्रूएल बॉय, देखिए पहले दूसरे तीसरे चौथे सब में मिल रहा है, तो आप किसी में भी नहीं कह सकते हाँ यही है। हाँ इस जिसके क्रूएल बॉय के बाद तुरंत वर्ब की सेकंड फॉर्म रहेगी वही पास्ट इंडेफिनिट होगा, क्योंकि नॉट तो है ना, तो किसमें है तो बी वाले में देख लें एक क्रूएल बॉय किल्ड है, पहले में तो वॉज किल्ड है तो ये तो पैसिव वॉइस ही है, तो यहाँ तक सही है। उसके बाद सब्जेक्ट जो द वर्ड था वो ऑब्जेक्ट की गया द वर्ड, ये बिल्कुल सही है, दूसरा ही आपका बी वाला एकदम सही है, हेड किल्ड होता नहीं है एक्टिव वॉइस में, किल्ड ए बॉय किल्ड ये बिल्कुल गलत है, तो बी वाला आपका सही है एक्टिव वॉइस। तो इसमें देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन इन द फॉलोइंग, निम्नलिखित वाक्य में सही प्रोनाउन को भरना है, राम एंड वर प्रेजेंट, राम और वर प्रेजेंट माने उपस्थित थे, तो क्या भरा जाएगा तो ये आपको बताना है। तो अब यहाँ देखिए कि राम सब्जेक्ट है तो इसके बाद वर वर्ब है, तो इसके पहले भी सब्जेक्ट ही चाहिए, तो आई आपका सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, और ये और भी दो तो हो ही नहीं सकते हैं, नन ऑफ दिज हो ही नहीं सकता है, तो यहाँ जब वर है तो राम और मैं वर प्रेजेंट माने उपस्थित है, कम से कम दो लोग रहना चाहिए, दोनों सब्जेक्ट होने चाहिए, इसलिए आई आपका सही है। अगला है विच पार्ट ऑफ द स्पीच इज ए वर्ड इंजीनियस, इंजीनियस जो है कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये आपको बताना है। तो देखिए जिस भी शब्द के अंत में ओ यू एस रहता है, इंजीनियस है, करेजियस है, जॉयस है, तो ये हमेशा एडजेक्टिव रहते हैं, तो इसलिए आप आराम से बता दीजिए एडजेक्टिव, बात खत्म। आगे है तो जो बहुत ज़्यादा जीनियस है उसको हम कहते हैं इंजीनियस, ठीक है। द फीमेल फेमिनिन जेंडर ऑफ ए वर्ड बैचलर, बैचलर का फेमिनिन जेंडर माने मतलब स्त्री लिंग बताना है आपको, तो बैचलर माने होता है कुंवारा, ठीक है। तो इस कुंवारी के अंग्रेजी दो होता है, एक होता है मैडन, मैडन मतलब कुंवारी लड़की होती है, जैसे जो थोड़ा सा कम एज की हो मैडन उसको कहते हैं कुंवारी लड़की, तो MAIDEN। लेकिन हाँ जो ज़्यादा थोड़ा उम्र दराज हो जाती है कुंवारी लड़की या कोई महिला जो बहुत दिन तक शादी नहीं की है, तो जैसे फॉर एग्जांपल बहन कुमारी मायावती, ठीक है, तो वो स्पिनस्टर उनको कहेंगे हम, तो यहाँ कुमारी, ठीक है, कुमारी की अंग्रेजी या अविवाहिता की अंग्रेजी स्पिनस्टर हो जाएगा, कि मैडम दिया नहीं, तो बी एल ऑप्शन सही है। अगला है 45 नंबर का सब वाक्य है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस निगेटिव, निगेटिव बनाना द बॉय प्लेज फुटबॉल, प्रेजेंट टेनिफिट टेंस का है, सब्जेक्ट के बाद दिस बॉय यह लड़का, यस ये फॉर्म आया है तो इसका निगेटिव बनाएंगे तो डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, दिस बॉय डज नॉट प्ले फुटबॉल, तो आपका पहला ही एकदम सही है, बाकी सब गलत है। तो चलिए आगे अगला सेट भी देखते हैं। उसके बाद आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8 जो है अरिहंत प्रकाशन की बुक में दिया है, तो उसको भी हम लोग सॉल्व कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज एन एडजेक्टिव क्लाज, किसमें एडजेक्टिव क्लाज है, तो एडजेक्टिव क्लाज माने होता है विशेषण उपवाक्य, ऐसी क्लाज जो किसी नाउन की विशेषता बतलाने के लिए पूरा कंजक्शन से जुड़ी हो और सब्जेक्ट और वर्ब, उसको एडजेक्टिव क्लाज कहते हैं। तो आई बॉट ए ब्यूटीफुल चेन, तो इसमें कोई कंजक्शन ही नहीं, कंजक्शन से जुड़ा रहना चाहिए क्लाज एडजेक्टिव क्लाज को, और इसमें एडजेक्टिव क्लाज में हम बता दें हु होम हुज विच दैट, ठीक है, हु होम हुज विच दैट, ये स्पेशली एडजेक्टिव क्लाज में कंजक्शन आते हैं, तो ठीक है। तो देख लीजिए इसमें पहले में तो है नहीं, दूसरे में आई बॉट ए चेन, इसमें भी वर्ब से रिलेटेड एंड आता नहीं है एडजेक्टिव क्लाज में, ये कोऑर्डिनेट क्लाज में आता है। आई बॉट ए बिकॉज चेन बिकॉज इट वाज, इसमें कारण बताया जा रहा है, इसमें कोई भी विशेषता नहीं बताई जा रही। आई बॉट ए चेन विच वॉज ब्यूटी, मैं एक चेन खरीदा यानी जंजीर खरीदा, सिकड़ी खरीदा जो कि सुंदर थी, तो यहाँ जो सुंदर थी मतलब जंजीर सुंदर थी, तो उसकी विशेषता बताया जा रहा है, तो इसमें डी वाला आपका एडजेक्टिव क्लाज है, आपका 100% एकदम सही है, ठीक, तो आप आराम से बता देंगे डी वाला। उसके बाद आपका जो है 42 नंबर का है, चलिए 42 नंबर का हम लोग देखते हैं। तो 42 नंबर का आपका वाक्य जो है कर आ विच फिल इन द ब्लैंक्स विद राइट वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, दिए गए विकल्प में से सही शब्द को भरना है। तो सरदार पटेल, तो सरदार पटेल के साथ क्या भरा जाएगा ये आपको बताना है। द फार्मर्स ऑफ बरदोली इन देयर फाइट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ये भरना है, ठीक है। तो अब यहाँ क्या है कि सरदार पटेल ने क्या किया था,
लेड, यहाँ लेड भरा जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे अब यहाँ देख लीजिए कि सरदार पटेल कह रहे हैं कि बरदोली के किसानों के लिए अपने संघर्ष में सरकार के खिलाफ संघर्ष किए थे, तो बीती बात बताइए तो लेड होगा। लीड क्यों नहीं हो सकता? लीड माने नेतृत्व करना, तो उसकी स्पेलिंग ईएडी होता है, सरदार पटेल एक वचन है। तो जब इसमें नाट नहीं है, कोई सहायक क्रिया नहीं, तो हमेशा प्रेजेंट इन्फिनिटिव या पास्ट इन्फिनिटिव का फॉर्मेटिव हो सकता है। तो एक वचन के साथ लीड में यस नहीं है, नेतृत्व करते ये भी इसलिए नहीं हो सकता। लैड लड़का, लड़का की जरूरत नहीं है, नाउन है, यहाँ बर्फ की जरूरत है, इसलिए भी नहीं हो सकता। लीड इस स्पेलिंग ही गलत है, हो ही नहीं सकता। बचा क्या? लेड सेकंड फॉर्म, ये आपको पहला सही है। चूज द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ डक, डक का मैस्कुलिन जेंडर बताना। मतलब मैस्कुलिन जेंडर माने होता है पुलिंग, ठीक है। डक माने बत्तख होता है, नर बत्तख जो, ठीक है, जो बच्चे पैदा करती है। ड्रेक माने होता है, सॉरी मैस्कुलिन बताना ही है। डक मतलब मादा बत्तख जो बच्चे पैदा करती है, ठीक है, बच्चे पैदा करना या अंडे देना, जो मतलब मादा हो। अब नर बत्तख का अंग्रेजी होता है ड्रेक, ड्रेक माने होता है नर बत्तख, डक माने मादा बत्तख। आप इतना याद कर लीजिए, बस बात करते हैं, आराम से हो जाएगा। अब देखिए काउंटेस मतलब तो ये सम्राट क्या होती है, ये हो नहीं सकता। पीहन माने मोरनी, हो नहीं सकता। रो माने हिरड़ी, हो नहीं सकता। तो बचा क्या? ड्रेक। ऐसे भी आप समझ सकते हो, अगर सही आंसर ना आता हूँ तो गलत को हटा दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस है जे रिक्वेस्ट, किसमें रिक्वेस्ट है? तो सीधी सी बात है, जिसमें प्लीज आएगा तो उसमें रिक्वेस्ट है। तो इसमें हाउ फास्ट, ये इंटरजेक्शन है तो ये है नहीं इंटरजेक्शन, ये भी नहीं हो सकता, ये भी हो नहीं सकता फुल स्टॉप वाला, क्योंकि प्लीज नहीं है। तो अब ये अपडेट हुआ। तो बचा क्या? कुड आई बारो सम मनी फ्रॉम यू प्लीज़, क्या कृपया मैं आपसे कुछ धन उधार ले सकता हूँ? तो इसमें प्लीज़ लगा है और पूछा जा रहा है। इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट किया जाता है कि पूछा जा रहा है, पोलाइट रिक्वेस्ट जिसको कहते हैं, विनम्र निवेदन किया जा रहा है कि क्या मैं आपका आपसे कुछ धन उधार ले सकता हूँ, कृपया कृपया क्या मैं आपसे कुछ धन उधार ले सकता हूँ। तो अब उसके ऊपर है, इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि देगा कि नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट हैव साइलेंट लेटर, किसमें साइलेंट लेटर नहीं है? तो पी एस में पी साइलेंट है, साइकोलॉजी पढ़ा जाता है, तो ये हो नहीं सकता। कैटल में कोई साइलेंट नहीं है, क्योंकि कैटल टा पढ़ा जा रहा है, का पढ़ा जा रहा, सब पढ़ा रहा। नॉलेज में के साइलेंट ही है, कनौलेज लदी नहीं पढ़ा जाता है, कनौलेज नहीं पढ़ा जाता। डाउट में भी साइलेंट है, तो बचा क्या? बी, बी आपका सही है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। आज हम मैं थोड़ा सा मैराथन क्लास के अंदाज में पढ़ा रहा हूँ आपको, पाँच सेट मैं आज एक ही वीडियो में आपको कवर कराया हूँ। अगली वीडियो में भी मैं कम से कम 5 से 7 सेट हल कराऊँगा, या 10 सेट भी मैं करा सकता हूँ, 10 से 12 भी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 2 से 3 दिन लगातार आप इंग्लिश की जो है सारी वीडियोस मेरी देख लीजिए। अनसीन पैसेज ज़्यादा पढ़ने से आप समय बर्बाद मत करिए, क्योंकि ग्रामर का फंक्शन समझिए, कहाँ से क्या क्या कैसे सॉल्व करना, बस इसको जानिए। बाकी आपके लिए जो सेट हल कराए गए हैं सब में अनसीन पैसेज बताया गया है, तो अनसीन पैसेज भी आप ज़्यादा फोकस ना करके 1-2 क्वेश्चन जो आते हैं उसको आप कर लेंगे। ग्रामर का फंक्शन समझिए, वर्ड पावर समझिए, और कैसे उसका यूज़ किया जाएगा, कैसे भरा जाएगा, ये सब समझिए, ताकि आपका एक भी नंबर ना कटे। बाकी कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप अनसीन को भी वीडियो को पास करके रोक के पढ़ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शानदार, ठीक है, प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि सभी विद्यार्थियों का भला हो सके।